दिल्ली में रविवार को हुए अग्निकांड में कई मजदूरों की मौत हुई और उसके बाद देश भर में ये सवाल उठा कि आखिर पूरा सिस्टम मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कितना पुख्ता है, उस पर क्या उसकी जवाबदारी है। और अब उसी मांग को लेकर दिल्ली में सीएम ऑफिस केजरीवाल आवास की तरफ तमाम मजदूर संगठन प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, मांग करने जा रहे हैं। और वो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो सुरक्षा है, मजदूरों की जो सुरक्षा है, उस पर सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। आप लोग जो सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या डिमांड लेकर जा रहे हैं? डिमांड लेने जा रहे हैं मजदूरों के लिए। हमारे साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत ही अन्याय हो रहा है। हमारे साथ में भूखे बच्चे मर रहे हैं, रोडों पे पड़े हैं। हम मजदूरों की कोई ध्यान, यहाँ की कोई सरकार कोई ध्यान नहीं कर रही है कि हम लोग मजदूर आदमी एमपी, बिहार, यूपी, बुंदेलखंड से यहाँ पर आए, दिल्ली योजना के लिए आते कि हम लोगों को भूकंप पड़ गया, गांवों में वर्षा हो गई है, पानी से आप लोग आए और यहाँ दिल्ली में जब काम करते हैं से आए। तो सुरक्षा की बात है कि वो किस किस परिस्थितियों में काम करे, कहाँ उनकी सुरक्षा हो। तो यहाँ पर तमाम आप भीड़ देखेंगे कि तमाम लोग यहाँ पर सीएम ऑफिस के बाहर, सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें वहाँ तक जाने नहीं देगी, फिर भी इनकी ये कोशिश है कि वो प्रोटेस्ट करें। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। और क्या करते हैं दिल्ली में, कब से काम कर रहे हैं? दिल्ली में 8 साल से काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं। जब आप लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं तो कितनी सुरक्षा असुरक्षा जो है, खतरा कितना रहता है? बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जिसका सुविधा नहीं मिल रहा है और काम रोजगार बंद है, सब भूखे मर रहे हैं प्रदूषण के नाम पे। काम भी बंद है आजकल, है तो प्रदूषण की वजह से 1.5 महीने से काम नहीं चल रहा है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए लोग गांव से आते हैं क्योंकि गांव में रोजगार मिलता नहीं, उसके लिए जब वो आते हैं अपने किसी शहर में तो फिर कभी आग और कभी कुछ उसी तरह से उनके ऊपर कोई ना कोई खतरा बना रहता है। तो जो सड़क पर ये चल रहे हैं और जिस सीएम आवास के बाहर ये लोग प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो इन्हीं मजदूरों ने बनाई है। अब उसी के बाहर उसी पर चल कर इन्हें अपनी सुरक्षा की बात सरकार को बतानी पड़ रही, क्योंकि सरकार का काम शायद मजदूरों की सुरक्षा देना उसमें प्राथमिकताओं में शामिल नहीं रह गया है। लेकिन ये कोशिश है इन लोगों की, क्योंकि चाहे आप सीवर लाइनों की बात करें, चाहे आप किसी कारखाने में आग की बात करें या किसी भी परिस्थिति में बात करें, हालात बदल जाते हैं लेकिन मजदूरों की सुरक्षा और उनकी मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और यही डर है कि गांव से शहरों की तरफ आने वाले जो मजदूर हैं, जो जिन्हें काम नहीं मिलता, जिन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, इतनी बेरोजगारी के कभी कभी लोगों को भूख से भी उन लोगों की मौत होती है, तो वो अब अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम मांग कर रहे हैं और सीएम आवास तक, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, पुलिस उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं देगी, फिर भी इन लोगों की कोशिश ये है कि इनकी बात को सरकार समझे, इनकी मांग को सरकार समझे और माने भी। दिल्ली से कैमरा पर्सन विवेक भट्टाचार्य के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।